पाशा साहब से, जो कि कर्नाटक के राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के ये अध्यक्ष हैं, और हैदराबाद इनका आए दिन दौरा होता है और साथ ही साथ ये स्पोक्स पर्सन भी है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम सेना यानी कि RMS ये इन्होंने लॉन्च की है, तकरीबन बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, अभी तेलंगाना में इसको आम कर रहे हैं। तो सर मेरा सवाल है कि राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का अहम मकसद क्या है और किस तरीके से आप देश के 20 करोड़ मुसलमानों तक इसको लेकर कैसे पहुँचेंगे और इसका मकसद क्या है ये हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जिलाल बादशाह, मैं रियासत कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मेरा मुकाम बेलारी है और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का स्पोक पर्सन हूँ। रियासत में हम लोग जो है काम करने का मकसद के मुताबिक, जैसे सराज मैडम ने कहा कि हमारा इंटेंशन क्या, हमारा एम क्या है, इसके मुताबिक सवाल मुझसे किया गया, तो मैं जवाब में ये बताना चाह रहा हूँ। तो जवाब में यह है कि राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के माने हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक राष्ट्र है हमारा, उसमें मुस्लिम एक सेना है। सेना से मुराद ये है, सेना उसको कहते हैं जो बॉर्डर क्रॉस में रह करके अपने देश की, अपने कौम की, अपने देश के वासी लोगों को जो बचाने का प्रयास करते हैं, जो काम करते हैं, ये है सेना का नाम है। जैसे हम मिलिट्री कहते हैं, इस तरह से मुसलमान एक अपना सेना का रोल निभाएगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान मुसलमान भाई या हर मुसलमान जो है इस देश में एक सेना की तरह पर जी रहा है और जीता रहेगा। हम इस देश पे हिंदुस्तान में 800-900 साल हमने हुकूमत की है मुसलमानों ने। आज ये है कि और लोग हुकूमत कर रहे हैं, इनके हालात को हम देख रहे हैं, जिस तरह से ये देश को बर्बादी पर लाए हैं, जिस तरह से देश को जो है ख़त्म कर रहे हैं, देश को जो बेच रहे हैं और हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश को कैसे बचाया जाए, हमारे हिंदुस्तान को हम कैसे बचाया जाए, मुसलमानों को कैसे हम जो है ना होने वाली तकालीफ से हम बचाया जाए। हमारे इस मकसद से हमारी पूरी हिंदुस्तान में ये इसको एक मुहिम चलाई गई है राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के नाम से। हम आगे चल के आगे जितने भी हमारे मुसलमानों की आबादी है, 20 करोड़ की आबादी में हम पूरे हिंदू भाई को साथ में लेकर के इस देश को बचाने का हम प्रयास करेंगे। मैं यही रब العالمین से दुआ करता हूँ। आज इत्तेफाक हुआ कि सराज मैडम यहाँ हमारे इनके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं मुलाकात का सिलसिला देख करके बहुत ही खुशी मुसरत भी। मैं आगे चल के चाहता हूँ कि इसके चैनल के थ्रू से मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम सब पूरे एक अल्लाह के मानने वाले हैं, उसी के सामने हमें सर्वसजूद होना है, उसी से मांगना है, उसी से उसी की इबादत करना है। आइए हम सब एक हो जाए, राष्ट्रीय मुस्लिम सेना में शामिल होकर के हम आगे चल करके एक दूसरे के जो है ना मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे और तकालीफ आने वाले तकालीफ को हम जो है दूर करने का हम प्रयास करेंगे। इतना कह करके अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।